हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी में। और यहाँ पे आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि नालंदा में जो काउंसलिंग की डेट, जो काउंसलिंग का जो स्थल था वो DRCC नालंदा में पहले किया गया था, निर्णय लिया गया था, लेकिन अब उसमें संशोधन कर दिया गया है और अब वहाँ पे चेंज करके अब बिहार शरीफ के कुछ स्कूल, जैसे कि कन्या मध्य विद्यालय है और आवासीय मध्य विद्यालय है, वहाँ पे कर दिया गया है। और इसके बारे में अभी अब मैं पूरी डिटेल्स आपको नीचे अभी बताऊंगी। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टीचर नियोजन से संबंधित जो भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो आप तक पहुंच सके और आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग में कोई भी परेशानी ना हो। मेरा मकसद है आप लोग तक हर एक जो भी नया न्यूज़ आता है वो आप तक पहुंचाना, ताकि आप काउंसलिंग से वंचित ना हो पाएँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। यहाँ पे जो कार्यालय से आदेश आया है उसमें लिखा हुआ है कि 28/7/2021 को जो दिया गया था, 10 तारीख को, 7 तारीख को और 10 तारीख को जो काउंसलिंग होने वाली थी वो DRCC में कराने का निर्णय लिया गया था और वहाँ पे अब चेंजिंग कर दिया गया है और चेंज करके अब जो नया स्थल जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं आप नीचे में। सिर्फ एक और आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि रहुई जो है उसको छोड़ करके बाकी जगहों पे काउंसलिंग कराई जाएगी 7 को और 9 को, 10 को, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए 7 तारीख को जो है सिर्फ हर ब्लॉक में सामाजिक विज्ञान का, और 9 तारीख को गणित विज्ञान और भाषा के लिए, और 10 तारीख को 1-5 जनरल एवं उर्दू दोनों के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आप नीचे में जो दिया हुआ है कौन कौन सी जगह, कौन कौन से स्थल पे होना है आपको, कौन से स्कूल में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रखंड नियोजन इकाई का नाम अस्थावा। अस्थावा में जो काउंसलिंग की तिथि है वो है 7/8/2021, 6-8 सामाजिक विज्ञान आवासीय मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर। 9 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है वो गणित विज्ञान एवं भाषा, एवं यानी 6-8 के लिए जो भाषा है उर्दू हिंदी संस्कृत, वो उन सब जगहों की काउंसलिंग होनी है 9 तारीख को, ठीक है। और 10 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है वो 1-5 के लिए, और उसमें जनरल और उर्दू दोनों शामिल है, ठीक है। और काउंसलिंग कहाँ होनी है, आवासीय मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर बिहार शरीफ में, ठीक है। नूरसराई में भी सेम डेट में ही है, 7/8/2021 को, 9/8/2021 को और 10/8/2021 को सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान भाषा एवं 1-5 के लिए आवासीय मॉडल स्कूल भैंसासुर बिहार शरीफ, ठीक है। हरनौत में जो होनी है वो 7/8/2021, 6-8 सामाजिक विज्ञान, 9 तारीख को गणित विज्ञान और भाषा, 10 को 1-5 यानी जनरल उर्दू आवासीय मॉडल स्कूल बिहार शरीफ, ठीक है। बिहार शरीफ में भी सेम ही है, 7 को सामाजिक विज्ञान, 9 को गणित विज्ञान, 10 को आपको 1-5 के लिए आवासीय मॉडल स्कूल भैंसासुर बिहार शरीफ, ठीक है। सर मेरा में जो है वो 7/8/2021 को है और सेम ही डेट है, 6-8 सामाजिक विज्ञान, 6-8 गणित विज्ञान और 10 को 1-5 आवासीय मॉडल स्कूल मध्य विद्यालय, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए नया और है, बिंद जो ब्लॉक है बिहार नालंदा का ही है, 7 को, 9 को और 10 को आवासीय मॉडल मध्य विद्यालय बिहार शरीफ। हिलसा 6-8 गणित विज्ञान और 1-5, ठीक है। कराई परसुराई में भी सेम ही है आपको, 7 को, 9 को, 10 को आवासीय मॉडल स्कूल भैंसासुर में। परवलपुर में भी सेम ही है, 7/9/10 को आवासीय मॉडल स्कूल भैंसासुर सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान और 1-5। इस्लामपुर में भी 7 को, 9 को और 10 को, ठीक है। इकंगरसराय में 7 को, 9 को, 10 को। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इकंगरसराय में जो है वो चेंजिंग किया गया है स्थल का। इकंगरसराय में आपको काउंसलिंग अगर करनी है तो आप सामाजिक विज्ञान 7 को, कन्या मध्य विद्यालय कमरुद्दीनगंज में है ये स्कूल, ठीक है, बिहार शरीफ में। 9 तारीख को गणित विज्ञान कमरुद्दीनगंज बिहार शरीफ, 10 तारीख को 1-5 कमरुद्दीनगंज बिहार शरीफ, ठीक है। नगर नौसा कन्या मध्य विद्यालय 6-8 गणित विज्ञान
9 तारीख को, 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान, 10 तारीख को नगर नौसा में, ठीक है, कन्या मध्य विद्यालय में। चंडी में भी सेम ही है और थरथरी में भी सेम डे को ही है और सेम स्थान पे है, ठीक है। गृहक के लिए 7 को है, 9 को है और 10 को है, कन्या मध्य विद्यालय कमरूदगंज, कमरुद्दीनगंज में ही है। बेन, बेन में भी 7 को, 7/8/2021 को सामाजिक विज्ञान, 9 को गणित विज्ञान, 10 को 1-5 जनरल उर्दू, ठीक है, कन्या मध्य विद्यालय बिहार शरीफ। कतरीसराय जो है, आप वहाँ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 6-8 सामाजिक विज्ञान, 7 को, 9 को गणित विज्ञान एवं भाषा, 10 को 1-5 के लिए उर्दू जनरल दोनों के लिए कन्या मध्य विद्यालय कमरुद्दीनगंज बिहार शरीफ। सिलाव के लिए भी सेम ही है और राजगीर के लिए भी सेम ही है, जगह सेम है, डेट भी सेम है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको जो नियोजन इकाई जहाँ आपने फॉर्म भरा था वहाँ पे कब कहाँ और कौन सी डेट में काउंसलिंग होनी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इसको आप माइंड में बैठा लीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से ही आप एकत्रित कर लीजिए ताकि आपको काउंसलिंग करने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फ्रेंड्स, मेरा ये मकसद है कि आप तक जो भी नया शेड्यूल आता है वो आप तक, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो काउंसलिंग करने में, ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई नई वीडियो मैं आप तक पहुँचा के बना के डालूँगी और टीचर नियोजन से संबंधित जो भी नई लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, ठीक है। 2 तारीख को ये न्यूज़ आया है, ठीक है, उससे पहले 30 को जो न्यू 30 को जो आया था वो अलग जगह DRCC के लिए था, ये 2 तारीख को चेंजिंग किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।